180 भी मोदी ले आगा मौत मुरा लूंगा। 400 पार जो ये बीजेपी और नारा लगा रहे हैं ये असंभव कल्पना से परे है। इनको मिर्ची लगती है, अच्छी बातें सुनने में इनको मिर्ची लगती है। केजरीवाल बहुत अच्छा काम किए, हमें कोई वादा बता दें जो दारू के अलावा कोई अच्छा काम किए होंगे हमारा देश का आजादी के लिए क्या सोचे थे, ऊंचाई रहता हमारा देश हमारा आजाद ना हो। बंद होगा उतना ही केजरीवाल दिल्ली में पैदा होगा। केजरीवाल आके ना संजीवनी बूटी का काम करंट आ गया जनता में। लोकसभा का चुनाव क्या लग रहा है इस बार? इस बार कन्हैया कुमार 4 लाख वोट से जीतेंगे। कन्हैया कुमार मेरे गाँव है बेगूसराय का। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं? मनोज तिवारी आज तक कोई काम ही नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है, ये खाली जुगलाबाजी किया है आदमी के साथ। मनोज तिवारी लगातार कह रहे काम कर रहे हैं, घूम रहे घरों घरों में, कोई काम नहीं। मनोज तिवारी रोड टूटा पड़ा हुआ है, करावन नगर जाओगे भजनपुरा से लेफ्ट मुड़ोगे तो इतना जाम लगता है कि आपको अगर इमरजेंसी है तो ही पेशेंट मर जाएगा। ये हालत है रोड का, करावन नगर रोड का। पूरे दिल्ली का हाल है कि बस वही का हाल है? पूरे दिल्ली का लगा लो वही हाल है। मौजपुर चले जाओ, नाला पार कर दो, रोड के तुम देखोगे नहीं, खाली गड्ढे देखोगे। दिल्ली में किसकी सरकार है? ये तो केजरीवाल के हैं। केजरीवाल काम अच्छा नहीं कर रहे? बिल्कुल अच्छा, केजरीवाल के साथ आदमी है कोई नहीं कह रहे। जाम नहीं खराब, अभी तो रोड खराब थी, अब मनोज तिवारी पूरी दिल्ली की जगह। पूरी दिल्ली की समस्या मनोज तिवारी तो दूर नहीं कर सकता, इसे सबको पता होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं रोड पूरे दिल्ली में खराब है, लेकिन गलती दे रहे हैं मनोज तिवारी की। अरे जाके सिग्नेचर ब्रिज तो देखो कि कैसे बनाई जाती है रोड। 180 भी ले आएगा मौत मुरा लूंगा, 180 भी मोदी ले आएगा मौत मुरा लूंगा। हाँ 400 पार वो गुमराह झूठ। 400 पार जो बोल रहे हैं ये लोग, भैया बोलने दे दीजिए भैया, सब चिल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। 400 पार जो ये बीजेपी और नारा लगा रहे हैं ये असंभव कल्पना से परे है, ये 200 से नीचे जाएंगे। और रही बात जो लोगों के सुनने, अरे भाई बोलने तो दे लो मालिक, एक एक बोले तो अभी जनता पे जाएगा संदेश। हाँ जो भी होगी तो इस बार जो सरकार बनेगी हो सकता है कि मोदी जी बना ले, लेकिन गठबंधन के साथ बनाएंगे। लेकिन अभी जो जो माहौल है लोगों पे काफी गुस्सा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो काफी मुद्दे है। राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर तो केस होने के बाद ही बनाया था, तो कांग्रेस होती वो भी बना देती, उसे मना नहीं होता उसका। आप बीजेपी वाले लगातार कहते हैं 70 साल के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार बेरोजगारी भी भारत के अंदर चरम पे चल रहे हैं हम लोग, तो इसका जो निजात है वही सरकार दे सकती है जिसके मैनिफेस्टो में सभी चीजें लिखी हुई है। जो एक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि 70 साल की सरकार थी, भ्रष्ट थी, ठीक है उनको सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन जो तानाशाही जो होती है वो शायद हमारे देश में किसी को मालूम नहीं तानाशाही क्या। 5 साल को मौलिक अधिकार होते हैं जो सिद्धांत जो हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, उनका हनन करके उनके ऊपर अलग से कानून बना के बदल के लोगों जो आपकी आवाज उठाएगा उसको आप जेल में डाल दोगे। हाँ और जो भ्रष्टाचारियों को अपने टीम में डाल दोगे वहाँ वो पाक साफ हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएंगे। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, 5 ऐसा काम जो आपको सबसे अच्छा लगा मैनिफेस्टो के ने रोजगार की जो पहली बात की है वो सबसे बड़ी चीज लगी मेरे को। दूसरी चीज इन्होंने लगा कि देश के अंदर में आम आदमी जो जो सुविधा है उनके बारे में दिया गया, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन जिसका आकलन जो मैंने किया गया लोगों से जो पढ़े हैं, उन्होंने इसको बेस्ट मैनिफेस्टो बनाया। इसका मतलब ये नहीं मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, मैं केजरीवाल से काफी प्रभावित हूँ। और हो सकता है कि आप कहोगे कि यार केजरीवाल इनका साथ क्यों दिया, पहले उनको तोड़ के ही आए थे, ये भी बोलने वाले रहेंगे। जब आपके एक कॉमन जो देश की जो तानाशाही को खत्म करना है, जब आपको थोड़े से कम विचारधारा के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, तो आम आदमी पार्टी को कई बार जुड़ना भी पड़ेगा कांग्रेस के साथ इस चीज के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी हो गए, लेकिन आज जो तानाशाही चल रही है उसके लिए ये सबको एकजुट होके जाना पड़ेगा। आप किसी को जेल में डाल नहीं सकते, अब केजरीवाल जी ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है, वो तो कानून इन्होंने पीएमएलए का बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई भी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट और ईडी टेंपरेरी जमानत, ईडी सर अंतरिम जमानत मिली हुई है, लेकिन भैया उनके जो ईडी है सीबीआई है उनके भाई भाई है सब बैठे हुए हैं,
हाँ वो तो वही डलाएंगे। अब वो ईडी सीबीआई जब छगन भुजबल है, शरद पवार है, अजीत पवार है, अशोक चौहान है, जो कारगिल के शहीदों के जो फ्लैट में घोटाला किया था, उनको आप अपनी पार्टी में लेके पाक साफ बता रहे हो आप? आप मेरे भी सुन लो, मैं खत्म कर दूंगा भैया, आप बोल रही है, सबको अधिकार मिलेगा। जब आप कहते हो तो आपको विपक्ष का भी ध्यान, एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है इस देश के अंदर। आप पैसों के दल बल के ऊपर सरकारें तोड़ के जोड़ पोड़ करके जो आपने महाराष्ट्र में किया है और दूसरी सिटी में जगह कर रहे हो, गोवा में किया है, तो वो नहीं चलेगा। तानाशाही के एक सेकंड में खत्म कर दो। इसके अलावा जो आप ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो इन्होंने किया था वो घोटाला, वो घोटाला और उस और ये जो यहाँ का जो मेयर का इलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, ये एमसीडी का, उसमें जिस प्रकार के बीजेपी ने जो किया था, एलजी विजय सक्सेना ने जो किया था, वो संविधान नहीं बोलते। अब ऐसे संविधान के ऐसे तानाशाह को आप लेके आओगे तो इस प्रकार की हरकतें केजरीवाल ने, मैं इनको आए संविधान बताए तानाशाही, अब मैं इनको तानाशाही के बारे में बता दे, सुन लो तानाशाही के बारे में सुन लो। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो एक एक, अरे यार कहां यार बात, पहले बात तो सुन लेने दो यार। इनको मिर्ची लगती है सर, इनको मिर्ची लगती है, अच्छी बात है सुनने में, इनको मिर्ची लगती है। सुनो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अभी का बताऊंगा, तानाशाही के बारे में बता रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे, एक पत्रकार, उसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, एक पत्रकार था उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसने लिख दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हिटलर की तरह दिखते हैं, उसे 2 साल की जेल कर दिया गया था। बताओ तानाशाही वो है कि ये है? ये तो पूरे एक मिनट, ये तो पुराने समय की बात हो गई, लेकिन भैया सरकार तो उसी वही है अभी वो है। तो वो तो भाजपा के थे ना, वो भाजपा के थे ना, भाजपा के थे ना। सुनो एक चीज, ये कहते हैं कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम किए, हमें कोई वादा बता दें जो दारू के अलावा कोई अच्छा काम किए हो। दारू के अलावा कोई अच्छा काम नहीं हुआ है क्या? दारू के अलावा कोई अच्छा काम नहीं हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आज सुनो, आज कांग्रेस को, अरे भाई आ जाओ इधर आ जाओ, हिटलर की बात करेंगे, ये भाई इनने चार दो जगह, पंजाब का और कहाँ का, पता नहीं कहाँ का, दो जगह वोटिंग इनने एक बार भी ये नहीं बोला। हैदराबाद में है ओवैसी साहब एआईएम के, ठीक है, 10,52,000 वोट गोल हो गए हैं, उस पे आप क्यों नहीं बोलते हो? अभी तो बात दिल्ली, भैया तो अभी एक हफ्ते की, सर, एक मिनट। अच्छा पंजाब दिल्ली में, पंजाब दिल्ली में की बात करके करें, वो जमाना अलग है। आप पत्रकार हो, आप बात सही करो, पहली बात जब ये बोले तो दो हजार ग्यारह की बात बताता हूँ। आरएसएस ने क्या हमारा हिंदुस्तान के लिए अच्छा के लिए, आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं, ये आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं, जिसके बारे में इंदिरा गांधी नहीं बोली, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बोले, ना का हमारा देश का आजादी के लिए क्या सोचे थे, तो चाहिए रहता हमारा देश हमारा आजाद ना हो, हमारा हिंदुस्तान ना हो, जिसके बारे में इंदिरा गांधी नहीं बोली, आरएसएस वाले ना, निकले वो निकला भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी निकल के जो है ना चारों तरफ जो घूम घूम कर जो है ना ये पूरा ऐसे बात कर रखे हैं, पूरा भाइयों भाइयों में लड़वा रहे हैं, भाई भाइयों में लड़वा रहे हैं, बेटों में लड़वा रहे हैं, या बीवी में लड़वा रहे हैं, सबको में लड़वा दिए, उन्हें फर्क करवा दिया सारे कुछ वो जो कह रहा है कि नेहरू 15 लाख जो मोदी जी देने वाले थे, नेहरू ने मना कर दिया क्या कि मत दो किसी को 15 लाख रुपए? ये बात मैं कह रहा हूँ, जब नेहरू मना नहीं किया तो नेहरू की बात क्यों ला रहे हो? अच्छा नेहरू की बात छोड़ो, अन्ना ने अन्ना के साथ ये आंदोलन करे, अन्ना ने साफ अपने लिखित बयान दिया, अन्ना ने भाई 11 की बात तो बताऊंगा ही ना, अन्ना ने साफ कहा, अन्ना हजारे ने साफ कहा, जो मेरा नहीं वो देश का क्या होगा, साफ शब्दों में लिखा है, अभी भी पढ़ के देख लो। हाँ केजरीवाल बंद होगा उतना ही केजरीवाल दिल्ली में पैदा होगा। हाँ सुनो सुनो, ओ भाई क्या बोलो, हम भाई 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 बोलो 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 भाई, एक मिनट भाई को आप सुनो, ये उस सरकार को लाना चाहते हैं। अब देखो जितना इनके दारू का नशा था ना, होय करके इनके निकल गया नहीं। और जिस केजरीवाल की बात करते हैं,
भाई साहब सरकार ने उसको खुद बेल पे बाहर छोड़ रखा है। केजरीवाल तो बोल रहे की ईमानदार आदमी हम। सर आप ईमानदार थे तो जेल में क्या कर रहे थे? आप ईमानदार थे तो जेल में क्या कर रहे थे पहली बात? और वो ही केजरीवाल है ये, इन्होंने बोला अगर मैंने गलती कर दी कभी मैं किसी गलती में पकड़ा जाऊंगा या कोई मेरा बंदा गलती में पकड़ा जाएगा हम इस्तीफा दे देंगे। आज केजरीवाल सर ये केजरीवाल के दारू पी के ऐसे बोलते हैं ये, ठीक है के, सुनो केजरीवाल में केस हुआ था तो 2022 में क्यों ने इसको जेल में बंद किया? इलेक्शन के टाइम में क्यों बंद किया? इससे मोदी का डर है कि दिल्ली का सातवां सीट मैं या केजरीवाल केजरीवाल जेल से बाहर आए तो कुछ असर पड़ेगा? 100% सातों सीट पे कांग्रेस, सातों पे ही सातों सीट में पड़ेगा। सातों सीटों पे बीजेपी तो सातों जीत रही है। और सुनो और केजरीवाल आके ना संजीवनी बूटी का काम है, करंट आ गया जनता में, करंट ना मोदी जी को अटक ना दे गई। अच्छा बात ही खत्म है कहानी। आप कह रहे थे मनोज तिवारी की बात है, मनोज तिवारी का फोटो लेके वहाँ की जनता से पूछते, कहता मैं नहीं पहचानता हूँ मनोज तिवारी। सुनो बोलूंगा, मनोज तिवारी को अगर ढूंढा जाए तो कहाँ मिलता है? यूट्यूब पर। और क्या ढूंढा है? फटाफट खोल के दिखा, पता नहीं क्या देखना चाहता है। अब बात रही कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार को देशद्रोही मैं उस वक्त मानूंगा जब उसको जेल होगी। भैया जेल तो हो गई, रिहाई पे बाहर है, पहले इनको हम ये बता दे। और सुनो वो तो 4 जून को पता लग जाएगा कौन आने वाला है। और सुनो और ये कहते हैं ऐसे थे भगवान बचाए, जो इंशाल्लाह तेरे टुकड़े हो, देख तेरे टुकड़े हो, इनसे भगवान बचाए। और सुनो ये केजरीवाल सिर्फ कहते हैं अभी पिंक ठेका खोला है, तुम्हें पता होना चाहिए, लेडीजों को दारू पिला रहे हैं ऐसे। चौकीदार चोर है भाई, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे हैं यहाँ पे? ये कोई तरीका है भाईचारा हो? कह रहा हूँ कि अगर ये जितना हिंदू उनको होना भाई देश में उतना मुस्लिमन का भी है, तो के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। किस प्रधानमंत्री तो अभी प्रधानमंत्री कह रहे जितनी योजनाएं लाते हैं सबके लिए बराबर ये योजना। जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं ना वो योजनाएं कांग्रेस की टाइम की है, और योजनाओं कौन सी योजना कांग्रेस की टाइम? प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना का और योजना सुकन्या योजना जिसको कांग्रेस के टाइम पे चलाया गया देश के अंदर, आप ये बताइए देश के अंदर बदलाव होगा? तो पहले देश के अंदर पहले देखिए सुनिए पहले भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को भगाने का काम करती थी, आज रेपिस्टों को भी नरेंद्र मोदी जी भगाने का काम कर रहे हैं। इस दोनों नेता को भगा दिया इन्होंने, ये नहीं चलेगा। देश की इज्जत, इस देश की नारी की इज्जत करने वाली सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार आएगी। इंडिया के अंदर एजुकेशन सभी को चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कम्युनिटी के बंदों को एजुकेशन का मस्ट नीड है। इस पर डिबेट क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? आप ये बताइए हेल्थ इकोनॉमिकल सिस्टम, ये सारी सभी के मूलभूत सुविधा है, इनके ऊपर इंदिरा गांधी ने करती? ये बताते कांग्रेस की सरकार है ये इंदिरा गांधी के कितने साल कांग्रेस ने काम किया, कितने एम्स खोले? एक भी एम्स, एक एम्स खोले हैं भैया? इनको तो कुछ पता है नहीं, उनको कुछ पता तो है नहीं, आते हैं सिर्फ चले जाते हैं। इनके जैसे जैसे डिबेट वाले, एक एग्जाम्पल इनके डिबेट वाले जैसे कहीं फंसते हैं ना, वादा तेरे वादा ऐसे करने लगते हैं, 2 मिनट में कह के भाग जाते हैं। और सुनो अगर हम नाम बदले तो हम काम भी किए हैं, 4.5 करोड़ लोगों को आवाज दिया है, गर्व से कहते हैं।